नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, होली के बाद भी चाहते हैं सिल्की बाल और मुलायम स्किन तो फॉलो करें ये 12 टिप्स के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। होली का रंगों भरा त्योहार अपने साथ कुछ तकलीफें भी लेकर आता है, जिसे आपकी स्किन और बालों को होली के बाद समन करना पड़ता है। आपके सुदन मुलायम लहराते हुए बाल रंगों की वजह से बेजान और रूखे हो जाते हैं, वहीं आपकी त्वचा फटने और खींची खींची हो जाती है। कई बार इस वजह से आपकी स्किन लंबे समय तक परेशान करती है और होली का मजा बाद में किरकिरा लगने लगता है। अगर आप अपनी स्किन और बालों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए खास टिप्स को होली से पहले और बाद में जरूर फॉलो करें। होली से पहले, 1. होली खेलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, इससे घर के बाहर खुले में होली खेलते वक्त स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। 2. सनस्क्रीन लगाने के बाद चेहरे पर कोल्ड क्रीम जरूर लगाएं। 3. होली से पहले बालों को अच्छे से शैम्पू कंडीशनर से धोकर तेल लगा लें, इससे रंगों से आपके बालों को कम नुकसान होगा और होली के बाद आसानी से रंग को निकाला जा सकेगा। 4. हाथ पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाएं और फिर होली खेलें, इससे आपकी स्किन फटेगी नहीं और कोमल बनी रहेगी। 5. जिनके भी लंबे बाल हो वो होली खेलते वक्त बालों को जूड़ा बना लें या उन्हें बांध कर रखें, या फिर जिन लोगों ने बालों में कलर करवाया हुआ है वो बालों को ढककर होली खेलें। 6. होली से लगभग 10 दिन पहले तक कोई भी स्किन या हेयर ब्यूटी ट्रीटमेंट ना लें। होली के बाद, 1. होली खेलने के तुरंत बाद सूखे रंग को हाथों से झाड़ें, गुलाल को पानी से धोने पर वो और फैलेगा। 2. अगर आपने लिक्विड रंगों से होली खेली है तो गर्म की जगह ठंडे पानी से नहाएं, इससे रंग आपके पोज में नहीं घुसेगा और जल्दी हट जाएगा। 3. बालों को होली के बाद माइल्ड शैम्पू से धोएं और कंडीशनर करें। 4. अपने चेहरे को माइल्ड साबुन से ही धोएं और बेहतर होगा चेहरे पर बेसन और दही का लेप लगाकर फिर धोएं। 5. शरीर को भी माइल्ड साबुन से धोएं, कपड़े धोने वाले साबुन या सोडे का इस्तेमाल ना करें। 6. नहाने के बाद पूरे शरीर पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूल, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।